इंद के प्रतिष्ठित ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के तीन पूर्व प्राचार्यों के करोड़ों रुपए के घोटाले में जेल जाने के बाद जहां एक ओर शिक्षा जगत शर्मसार है, वहीं दूसरी ओर स्कूली शिक्षा के सबसे बड़े शिक्षक संस्थान संभागीय शिक्षा महाविद्यालय रीवा में भी करोड़ों रुपए के घोटाले की जानकारी सामने आई है। उक्त खुलासा समाज सेवी अधिवक्ता उमाकांत विश्वकर्मा ने सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी से सामने आई है। तो भाजपा नेता शिववती नंदन पयासी ने बताया कि घोटालों का पुलिंदा लोकायुक्त ईओ डब्ल्यू सहित सरकार को भी भेजा गया है। बताया गया कि घोटालों का प्रमुख सूत्रधार महाविद्यालय में 25 वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ एक प्राध्यापक है, जो प्राचार्यों पर अपनी मनमानी करते हैं, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। इसके साथ ही लाखों रुपए के कीमती कैमरे भी चोरी करने के आरोप लगे हैं, लेकिन पुलिस से सांठगांठ करके मामले को दबा दिया गया है। वहीं सूचना के अधिकार अधिनियम से मिली जानकारी इसके जो घोटाले सामने आए हैं, आपको बता दें कि प्रधान अध्यापक पंकज नाथ मिश्रा ने खुद अपनी हैंड राइटिंग से एक ही ट्रेवल्स इनाम पर लाखों रुपए के बिल का भुगतान कराकर फर्जीवाड़ा किया है। इतना ही नहीं, 2016 से लेकर अब तक मॉनिटरिंग शोध प्रशिक्षण और भोज परीक्षा में अपने खाते में लाखों रुपए प्राप्त करने के बड़े आरोप पंकज नाथ मिश्रा पर लगे हैं। इसके साथ ही भोज परीक्षा की संपर्क कक्षाओं में व्याख्यान के नाम पर एमएड बीएड परीक्षार्थियों और स्कूली शिक्षकों के नाम पर भुगतान कर फर्जीवाड़ा किया गया है। स्कूल में पदस्थ अध्यापकों धर्मराज पाल और आशुतोष श्रीवास्तव को वरिष्ठ व्याख्याता सिटी और नेहरू नगर बताकर फर्जी तरीके से राशि आहरित कर बंदरबाट की गई है। इतना ही नहीं, एक ही सत्र में धर्मराज पाल और डी आर पाल नाम से दो बार अलग अलग बिल में राशि आहरित की गई है, जबकि धर्मराज पाल और आशुतोष श्रीवास्तव कभी भी सिटी में पदस्थ नहीं रहे। अधिकांश भुगतान इसी प्रधान अध्यापक की हेड राइटिंग में बनाए गए बिलों पर किए गए हैं। कई लाख रुपए तो इसके द्वारा बिल में पेड बाई मी लिखकर प्राप्त किए गए हैं। इतना ही नहीं, भ्रतियों का मानदेय भी इसने खुद ले लिया है। जो भी शिकायत होती है हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं, और आपकी भी शिकायत है उस पर हम लोग जांच करा रहे हैं और जांच उपरांत समुचित कार्रवाई की जाएगी। साथ तकरीबन आज दो दो शिकायत आपके यहाँ चल रही है उनकी, और इस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, इस विषय में कहीं ना कहीं नहीं कार्रवाई नहीं हुई ये कहना ठीक नहीं है। जैसा मैंने बताया आपको कि जाँच हो रही है, और जाँच पर जैसे ही जो भी उसका निष्कर्ष आएगा उसके अनुसार उस पर निर्णय किया जाए। राइटिंग में मेरे नहीं है, वो डील करते थे भोज मुक्त विश्वविद्यालय और भोज के क्लर्क डील करते थे। वहाँ वो सही है नहीं कोई? हाँ हाँ, हिसाब सही है। यदि एक बिल ऐसा है जिसमें ड्राइवर ले आया था जो लिख नहीं पा रहा था, वो मैंने लिखा होगा, जैसा मैंने यात्रा की थी वैसा बिल मैंने लिखा होगा, और भुगतान अकाउंटेंट के द्वारा किया गया। शोध कार्यशाला के नाम पर फर्जी भुगतान हुआ है, ऐसा कुछ आरोप है? शोध कार्यशाला में नाम्स रहते हैं, उसमें एमएड के प्रशिक्षणार्थियों का मद रहता है, कार्यशाला के नाम पर कुछ टीएडीए का पैसा रहता है जो एक्सपर्ट